सो गाइस, कुछ टाइम पहले हमने हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये वाला पीसी बिल्ड किया था। ये अप्रॉक्स 3 या 4 साल पहले की बात है एंड आज वो ये पीसी लेके आया हमारे यहाँ। अब इस वाले पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो पीसी है ना, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ खुद ही देख लो, मैंने इसको ऑन करके रखा है, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है एंड ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने हमसे बोला कि यार ये वाले पीसी को रिपेयर नहीं करना है, हमें इस वाले पीसी में अपग्रेड्स करने हैं। एंड अपग्रेड्स भी यार ऐसे वैसे नहीं, मतलब बड़े अपग्रेड्स करने हैं, महंगे वाले अपग्रेड्स करने हैं। तो हमने बोला ठीक है भाई, अब ये वाला जो पीसी है इसके अंदर जो पार्ट्स है वो हम पार्ट्स को चेंज करने वाले हैं। एंड कौन कौन से पार्ट्स हम चेंज करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले ये जान लो कि यार इस वाले पीसी का क्या स्पेक्स है। तो केस की बात करें तो यहाँ पे मॉन्टेक का एयर केस है जो कि काफी अच्छा खासा एयर फ्लो वाला केस है। फ्रंट में यार 140mm वाले फैन है एंड रियर में एक 120mm वाला फैन है। एंड अंदर का हाल चाल आपको दिखाऊं तो वो भी मैं यहाँ पे, ये फ्रंट का जो पैनल है टेम्पर्ड ग्लास, इसको निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। भाई टेम्पर्ड ग्लास भी फिक्स हो गया यार। ओके, तो टेम्पर्ड ग्लास को हमने निकाल दिया है एंड इसको मैं पहले साइड पर रख लेता हूँ ताकि डैमेज वैमेज ना हो। तो टेम्पर्ड ग्लास को गाइस मैंने साइड पे रख दिया है एंड यहाँ पे आप लोग देख लो यार, इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छा खासा माल मटेरियल ऑलरेडी देखने मिल जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है Ryzen 5 3500। 16GB की यहाँ पे रैम है, एक RGB है, एक Non-RGB रैम है एंड ये हाइपर एक्स की रैम है दोनों। साथ ही साथ में 1650 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। वहीं मदरबोर्ड की बात करें तो B450 स्टील लेजेंड मदरबोर्ड लगा है। तो ऑलरेडी स्पेक्स काफी अच्छे हैं। बाकी अब यहाँ पे जो हम अपग्रेड करने वाले हैं ना, वो इंटेल के ऊपर अपग्रेड करने वाले हैं। तो अपग्रेड क्या करने वाले हैं वो भी मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे पहले सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी मंगा रखे हैं जो भाई ने बताए थे हमसे। तो गाइज ये सारा कुछ अपग्रेड होने वाला है एंड एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हम अपग्रेड करेंगे। तो प्रोसेसर यहाँ पे हम ये वाला लगा रहे हैं, ये हमारा इंटेल का i5 14400F यानी कि 14 जनरेशन के ऊपर अपग्रेड करने वाले हैं ये वाले पीसी को। अब इसके अंदर आप लोगों को यार 10 कोर्स मिल जाते हैं जो कि भाई इनफ रहने वाले हैं। वहीं यूजर्स की बात करें तो यार इस वाले प्रोसेसर के साथ भाई वैलोरेंट जैसा गेम्स खेलने वाले, यानी मोस्ट प्रोबेबली गेमिंग ज्यादा होगी एंड स्ट्रीमिंग होगी। तो प्रोसेसर यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे। वहीं मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे हम ये वाला मदरबोर्ड लगा रहे हैं, ये हमारा MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड Zen 4 सपोर्ट के साथ, DDR5 RAM सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई आपको इनबिल्ट ही देखने मिल जाता है। तो ये वाला हम मदरबोर्ड लगाएंगे, फिलहाल इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। वहीं ये वाला जो प्रोसेसर है, अब 10 कोर होने की वजह से यार स्टॉक कूलर से तो काम चलेगा नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर भी लगा दिया है। ये वाला हम एयर कूलर लगाएंगे, ये हमारा हाइपर 620S कूलर मास्टर का एयर कूलर है, ड्यूअल टावर डिजाइन के साथ आता है एंड कॉपर की यहाँ पे आपको हीट पाइप देखने मिल जाती है हीट डिसिपेशन के लिए, तो इस वाले प्रोसेसर के लिए बजट में अच्छा है। ये वाला हम एयर कूलर लगाने वाले हैं एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे हम ये वाला ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। तो देख रहे हो 1650 से भाई RTX 3060 पे जंप मारा जा रहा है। ये वाला ग्राफिक कार्ड 12GB की VRAM के साथ आता है एंड Zotac का लगा रहा है, 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है, तो गेमिंग वेमिंग के लिए भाई मोर देन इनफ रहेगा, स्ट्रीमिंग भी करवा देगा। इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पे हम पावर सप्लाई भी चेंज कर रहे हैं। 650W का हम यहाँ पे PSU लगा रहे हैं, ये हमारा डीप कूल का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU है एंड PK650D है, इस वाले बिल्ड के लिए मोर देन इनफ रहेगा। हालांकि इसके अंदर यार 450 ही था, इसके लिए हम पावर सप्लाई भी चेंज करने वाले हैं, तो पावर सप्लाई को हम यहाँ रख देते हैं। एंड रैम तो भाई यहाँ पे DDR4 वाला चलता नहीं, तो यहाँ पे हमने ये XPG की लांसर DDR5 वाली रैम लगा दी है, 16GB की सिंगल स्टिक यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंड 5200MHz वाली रैम है, DDR5 वाली रैम है, तो ये हम रैम लगा रहे हैं। तो ये इतना कुछ यहाँ पे हम अपग्रेड करने वाले हैं यार इस वाले पीसी के अंदर। अब इस वाले पीसी को जब हमने बनाया था ना, तो ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस काफी ज्यादा चल रही थी एंड तब यार ये वाला पीसी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने बना था, बट एक रफ आइडिया मेरे हिसाब से एक रफ आइडिया दो तो यार 40 से 50 हज़ार के आसपास का पीसी तो होगा ही उस टाइम पे भी। एंड इस 40 से 50 हज़ार वाले पीसी में हम यहाँ पे 70,000 यार 70 to 75,000 के आसपास वाला अपग्रेड कर रहे हैं, तो इतना कुछ अपग्रेड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से यार आप लोगों के सामने ही इस वाले पीसी के पार्ट्स को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि इस वाले पुराने वाले पीसी को हम एकदम नया नवेला बना देते हैं। सो लेट्स गो। हेलो, हाँ भाई, हो गया क्या भैया बिल्ड? नहीं, आपका बिल्ड ही हो रहा है, और कल ही ले जाओ ना, क्योंकि प्रॉपरली स्ट्रेस टेस्ट ये सब करके देंगे तो अच्छा रहेगा। अरे कल तक वो आटा, आपको अर्जेंट चाहिए था तो ठीक है, आ जाओ एक घंटे के आसपास, आ जाओ एक घंटे में कर देंगे। ठीक है 8:30 में आ जाता हूँ। ओके आ जाओ। सो एंगल मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अब सबसे पहले तो यार इसको हम बंद कर लेते हैं इस वाले पीसी को। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ग्राफिक कार्ड को निकाल लेंगे जो कि ये स्क्रू ड्राइवर से निकल जाएगा, एक स्क्रू लगा होता है, एंड ग्राफिक कार्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, सिंगल फैन एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है आसुस का, इसको हम साइड पे रख देंगे फिलहाल। एंड ये वाला जो पीसी है ना, इसको भी हम जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करके बाद में सेल करने वाले हैं।
एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे हम अपने जो वायर्स हैं, ये अपने पीएसयू वाले वायर्स, इसको भी हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। हमारा फ्रंट पैनल वाला कनेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, क्योंकि हमें मदरबोर्ड को भी बाहर निकालना है। एंड कमाल की बात तो ये है कि यार ये वाले मदरबोर्ड के अंदर ARGB आपको हेडर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो पीएसयू वाले सारे केबल्स को हम फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं, डिसकनेक्ट कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेंगे। सारे केबल्स को ऑलरेडी हमने निकाल दिया है एंड एक एक स्क्रू को हम फटाफट से हम निकाल लेते हैं, ताकि हमारा जो मदरबोर्ड हो फटाफट से बाहर आ जाए। अब अगर आपको भी कुछ पीसीवीसी में अपग्रेड करवाना हो ना, तो आप हमारे ऑफलाइन स्टोर पे आके अपग्रेड भी करवा सकते हो। हम यार नया पीसी तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ में आपने आपके पुराने पीसी को अपग्रेड भी कर देंगे अगर पॉसिबल होगा तो, जैसा इस केस में था। एंड आपको काफ़ी अच्छा खासा रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। एंड आपको अगर ज़्यादा डिटेल विटेल में जानना है, कोटेशन वोटेशन लेना है, नया पीसी भी बनवाना है, तो हमारे टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको टीम का नंबर मिल जाएगा, जो कि है 9898684750। बाकी पैन इंडिया शिपिंग करते हैं हम, सूरत गुजरात से अगर आप हो तो यहाँ पे विजिट करके भी आप अपना पीसी बनवा सकते हो। एंड अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो कहीं से भी ऑर्डर कर लेना, हम यार आपके पीसी को आपके डोरस्टेप से डिलीवर करवा देंगे। तो गाइस लास्ट एक स्क्रू बचा है, फटाफट से मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। एंड यार जिसका ये पीसी है विशाल भाई, वो लेने आने वाले हैं यहाँ पे अभी, तो मुझे फटाफट से यार इस वाले पीसी का वीडियो भी बनाना है। एंड लगे हाथ इस वाले पीसी में वीडियो बनाने के बाद, सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद, यहाँ पे विंडोज़ डाल के ये वाला पीसी रेडी करके हमें उन्हें देना भी है। तो यहाँ पे हम फटाफट से काम कर रहे हैं। अब ये देखो हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है एंड मदरबोर्ड की कंडीशन तो सही लग रही है, बाकी बाद में इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसको हम साइड पर रख देते हैं। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे हम अपने पावर सप्लाई को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पावर सप्लाई है वो भी हम चेंज करने वाले हैं। बट पावर सप्लाई निकालने से पहले मैं सोच रहा हूँ यार मदरबोर्ड ही लगा दूँ ना इसके अंदर। नहीं, पहले पावर सप्लाई निकाल लेते हैं हम, ताकि बाद में काम करने में यार काफ़ी ज़्यादा आसानी हो एंड हमको अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। एंड आई होप आप लोगों को सब क्लियरली दिख रहा होगा। पीछे का पैनल हम फटाफट से यार खोल लेते हैं एंड पीछे के पैनल को हम साइड पर रख देंगे, ताकि डैमेज वैमेज ना हो। अब देखो पीछे का माहौल देखो यार, कुछ इस तरह का आपको पीछे का माहौल दिखता है। हालांकि यहाँ पे SSD ही है, तो हम SSD को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, SSD हम अपग्रेड नहीं करने वाले। एंड यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी लगाया है भाई ने, तो ये सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ ही रहने देते हैं। हमें करना क्या है, सिंपली पावर सप्लाई को बाहर निकालना है। एंड पावर सप्लाई की बात करूँ तो गीगाबाइट का 450 वोल्ट का PSU है शायद, सॉरी 550 वोल्ट का PSU है। अब ये जो पार्ट्स है ना, इसमें वारंटी ख़त्म हो गई है गाइस, यानी कि ये वाला PC भाई ने अप्रॉक्स यार 3 या 4 साल पहले ही हमारे यहाँ बनवाया था। एंड वारंटी में अगर होता तो ये वाला PC हम सर्विस सेंटर में ही भेज देते, जो भी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता। बाकी वारंटी ख़त्म हो गई है, इस वजह से हम ये वाले PC का डायरेक्ट पार्ट्स ही चेंज कर देंगे। तो पावर सप्लाई को फटाफट से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये डस्ट देख रहे हो यार, कितनी सारी यहाँ पे डस्ट जमा हो गई है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार कभी कभार यार अपने PC को एटलीस्ट क्लीन कर लिया करो, नहीं तो ऐसे गंदा माहौल आपको दिखेगा। अब सारे केबल्स को मैं फटाफट से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, पावर सप्लाई वाले केबल्स को। एंड यहाँ पे मैंने जिप टाइज भी लगा के रखी थी, तो उनको भी मुझे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया है एंड अब हम अपने मदरबोर्ड को लगाएंगे, उसके बाद पावर सप्लाई को लगाएंगे। हालांकि काफ़ी सारे केबल्स अभी भी यार यहाँ पे अटक रहे हैं, जिनको हमें ओपन करना है, जो जिप टाइज है इन्हें काटना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा हमारा पावर सप्लाई, जिसको हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको हम साइड पर रख देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पे डस्ट जमा हो गई है। एंड ये जो साटा केबल्स हैं, इनको भी हमें संभाल के रखना है, क्योंकि वापस हमें इन्हें लगाना भी है, तो साटा केबल्स को हम संभाल के रखेंगे। ओके नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमारा ये B760M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड। तो इसको लगाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा अनबॉक्स, तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। एंड सारा कुछ यार वीडियो में ही हम करते हैं, ताकि सील वील आप लोग देख सको। एंड सारा कुछ यहाँ पे ही ओपन करते हैं, ताकि एक ट्रस्ट है जो मेरे और आपके बीच वो बना रहे। एंड अगर आप हमारे यहाँ PC बनवाते हो, तो हम यार वीडियो में ही सील वील ओपन करते हैं, जो कि जिससे एक ट्रस्ट बना रहता है मेरे और आपके बीच, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब मदर बॉक्स के अंदर आप लोगों को ये एंटीना देखने मिल जाता है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ का, यानी कि इस वाले मदरबोर्ड में आपको अलग से अडेप्टर परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो बॉक्स को हम फिलहाल साइड पर रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से बॉक्स के अंदर प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बॉक्स को हम फिलहाल साइड पर नहीं रखेंगे, क्योंकि बॉक्स के ऊपर ही रख के हम बिल्ड करने वाले हैं। एंड उससे पहले यहाँ पर मैं IO सील लगा लेता हूँ। ये रही हमारी IO सील, जो कि हमको फ्री में ही देखने मिल जाती है मदरबोर्ड के अंदर, बॉक्स के अंदर, एंड ये सीधा पीछे लग जाएगी। अब IO सील लगाना यार काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो। तो IO सील हमने लगा दी है यहाँ पे,
एंड उसके बाद यहाँ पे हम मदरबोर्ड के अंदर अपना प्रोसेसर लगा लेते हैं गाइस। अब प्रोसेसर लगाने के लिए यहाँ पे जो सीपीयू सॉकेट है इसके ऊपर जो प्लास्टिक है इसको हम निकाल लेंगे फटाफट से, ताकि हम आराम से अपने प्रोसेसर को लगा सके। एंड प्लास्टिक को हमने निकाल दिया है, उसके बाद सिंपली एरो की को आपको देख लेना है किस तरफ आपका एरो की है, उसको देखते हुए प्रोसेसर को भी हम यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमारा 14400F जो कि 14th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। एंड i5 पे मत जाओ यार, इसमें भी आपको 14 कोर मिल जाते हैं जो कि भाई मोर देन इनफ रहेंगे गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग, मतलब एक ऑलराउंडर प्रोसेसर है यार, इसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा प्रोसेसर, एंड इसको भी मैं फटाफट से मदरबोर्ड में लगा लेता हूँ, यानी सीपीयू सॉकेट में लगा लेता हूँ। अब एरो की को देखते हुए सिंपली आपको आपका जो प्रोसेसर है वो सीपीयू सॉकेट में खाली इस तरह से कुछ आपको प्लेस करना होता है, एंड उसके बाद लीवर को बंद कर देना होता है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो प्रोसेसर लग गया है, यानी प्रोसेसर हमने लगा दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम स्टॉक कूलर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ये एयर कूलर। तो ये वाला जो प्रोसेसर है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम बाद में करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हम बाकी की चीज़ों को लगा देते हैं। जैसे अपने रैम को भी फटाफट से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको भी मैं फटाफट से अनबॉक्स करके आपके सामने ही लगा देता हूँ। ये सीधा जाएगा यार रैम वाले स्लॉट में, एंड DDR5 वाला ये रैम है, बाकी एक स्लॉट और मिल जाता है फ्यूचर में, अगर अपग्रेड वपग्रेड करना हो तो आराम से ये भाई अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो गाइस रैम को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब यहाँ पे के बाद हम यहाँ पे हम अपने PSU को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि सीधा हमारे PSU श्राउड में चला जाएगा पीछे की तरफ। अब यहाँ पे यार काफी ज्यादा मैसी माहौल हो गया है, इसके ऊपर ध्यान मत दो आप लोग। ये रहा हमारा पावर सप्लाई जो कि 650 वोल्ट का पावर सप्लाई है, फटाफट से मैं इसको भी अनबॉक्स करके लगा लेता हूँ। अब इसको हम सीधा PSU श्राउड में लगा देते हैं, हालांकि यहाँ पे केबल्स आपको काफी सारे मिलते हैं, तो केबल मैनेजमेंट हम आराम से लास्ट में करेंगे। जिप टाइज हमको मिल जाती है, जिसकी मदद से हम काफी अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर देंगे, जैसे कि भाई को हमने पहले करके दिया था। तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे, एंड जो आपको इसके साथ चार स्क्रू मिलते हैं उन्हीं स्क्रूज को आप सिंपली पीछे टाइट कर दो, एंड आपका PSU यहाँ पे लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये रहे वो स्क्रूज जो कि हम फटाफट से इसके अंदर लगा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने पावर सप्लाई को भी लगा दिया है, अब बारी आती है अपने आफ्टर मार्केट एयर कूलर लगाने की, जो कि हम फटाफट से लगा लेते हैं, ताकि लास्ट में हमें सिंपली खाली ग्राफिक कार्ड लगा के इसको ऑन करना रहे। मैं फटाफट से यार एयर कूलर को भी लगा देता हूँ। अब एयर कूलर लगाने के लिए हमें जो कैमरे का एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को भी आसानी से दिख सके। सो गाइस ये रहा हमारा एयर कूलर, जिसको मैं फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम इसे अपने सीपीयू के ऊपर लगाने वाले हैं। एंड ये ड्यूअल टावर वाला एयर कूलर यार, एंड काफ़ी कम बजट में आपको अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करवा देता है। इसके अंदर आपको सारे ब्रैकेट्स मिल जाते हैं, एंड पेस्ट लगाने के लिए भी एक आपको एक सिरिंज दी गई है, तो पेस्ट आप 2-3 बार अप्लाई कर सकते हो अगर बाद में अगर आपको लगाना वगाना हो तो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका एयर कूलर, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। सो ये रहा गाइस हमारा एयर कूलर, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। अब फटाफट से मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, एंड आपको यहाँ पे मैनुअल भी देखने मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मैनुअल देख के अपने एयर कूलर को लगा सकते हो। तो गाइस एयर कूलर लगाने के लिए हमें थोड़ा सा यार स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से हम फिलहाल रैम को निकाल लेते हैं, रैम को आराम से हम बाद में लगा देंगे। एंड ये रहा हमारा पीछे का बैक प्लेट, जो कि यार इस वाले एयर कूलर में लगेगा, तो इस बैक प्लेट को हम फटाफट से पीछे लगा लेते हैं। एंड रैम को हमने निकाल दिया है, कुछ इस तरह से ये इसके अंदर लग जाएगा, बैक प्लेट को हमने लगा दिया है उसकी जगह पे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम मैनुअल को भी प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि हर एयर कूलर को लगाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, इसी वजह से हमको भी मैनुअल प्रीफर करना पड़ रहा है। तो अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि यार मैनुअल को देख लो, एंड उसके बाद आराम से अपने एयर कूलर को लगाओ, इंस्टॉल करो। एयर कूलर लगाने से पहले यानी इंस्टॉल करने से पहले हमें हमको पेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमें पेस्ट पहले से मिलता है, एंड इसको हम अपने सीपीयू कूलर के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देते हैं। ज़्यादा पेस्ट भी मत लगाओ, इतना ज़्यादा मत लगा देना कि सीपीयू के बाहर आ जाए पेस्ट। एंड इसको हम लगा देंगे कुछ इस तरह से, एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने एयर कूलर को इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉल करने से पहले हमें ये जो एक बीच वाला फ़ैन है इसको निकालना पड़ेगा, तभी हम स्क्रूज़ को टाइट कर पाएंगे। तो हम इसको फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं, एंड बाद में हम इसको वापस से लगा देंगे। एंड ये इसके अंदर आपको ARGB फ़ैन मिलते हैं, दोनों के दोनों ARGB फ़ैन हैं, जिनको आप सिंक भी कर सकते हो, यानी कि कलर वलर चेंज हो जाएंगे। तो अब फटाफट से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन मैं ये निकालना भूल ही गया था, तो इसको आप लोग भी निकालना मत भूलो, नहीं तो आपका जो एयर कूलर है वो आपके CPU को कूल नहीं करेगा, बिकॉज एक प्लास्टिक ऊपर आती है, तो उसको हमेशा रिमूव कर लो। सो गाइज यहाँ पे हमने अपने एयर कूलर को फाइनली इंस्टॉल कर दिया है, एंड अब बारी आती है ये फ़ैन को भी इंस्टॉल करने की, जो कि हमने फ़िलहाल के लिए निकाल दिया था। तो इसको मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा जो एयर कूलर है वो हमने लगा दिया है, एंड उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है।
काफी अच्छा सा लग रहा है। एंड हम रैम को हमने निकाला था एंड उसको भी फटाफट से लगा देता हूँ। हालांकि यहाँ मुझे लग रहा है रैम लगाने के लिए स्पेस नहीं होगा, तो हम एक काम करेंगे, इस फैन को पीछे लगा देंगे। अगर स्पेस नहीं बचेगा, स्पेस होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ड्यूअल टावर वाले एयर कूलर में यही प्रॉब्लम आती है गाइस, स्पेस रैम लगाने के लिए नहीं बचता है। हालांकि हम इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे अगर नहीं स्पेस बचेगा कुछ इस तरह से, तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। परफॉर्मेंस में भी आपको कुछ ऐसे ज़्यादा फर्क देखने नहीं मिलता है। एंड इसके वायर को भी मैं फटाफट से सीपीयू फैन हेडर वाले वायर में लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो काम था, यानी कूलर वाला जो काम है, वो हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिया है। एंड अब बारी आती है इस वाले, यानी कि अपने मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगाने में। तो मैं फटाफट से उसके अंदर, यानी अपने ये मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर लगा देता हूँ। तो हमने आयो शील्ड को ऑलरेडी लगा ही दिया था, जैसा कि आपने देख ही लिया था। अब फटाफट से हम इसको, यानी कि अपने मदरबोर्ड को भी इसके अंदर लगा लेते हैं। एंड उसके लिए हमें चाहिए होगा एकाक नहीं काफ़ी सारे स्क्रूज, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो हम फटाफट से यार इसको भी लगा लेते हैं अंदर। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा केयरफुल होके करना गाइस, क्योंकि ये जो एयर कूलर है ना, ये काफ़ी हैवी हो जाता है एयर कूलर लगने के बाद, तो आपको ये संभाल के करना होगा, क्योंकि अगर ये डैमेज हुआ तो वारंटी में भी कवर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से इसको कहीं पर रख के प्यार से लगाओ, आप लोगों को किसके दिखाना है यार। तो एक स्क्रू मैंने लगा दिया है एंड एक स्क्रू के बाद ये आराम से वहाँ पे लटका रहेगा। अब मैं आराम से आप लोगों को दिखाते हुए बाकी के स्क्रूज को लगा लेता हूँ। तो गाइस आप लोग खुद ही देख लो यार, यहाँ पे हमने एक DDR4 वाले पीसी को DDR5 वाले पीसी से अपग्रेड कर दिया है। हालांकि अपग्रेड नहीं, इसको आप एक नया पीसी ही बोलो यार, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है, तो ऑलमोस्ट ये एक न्यू पीसी ही बन गया है। एंड परफॉर्मेंस पुराने पीसी के कंपेरिजन में भाई एकदम तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने नया ही लगा दिया है। कहाँ राइजन 5 और कहाँ i5 1400F। तो 6 कोर वर्सेस 10 कोर वाला सीन हो गया यहाँ पे, हमने कर दिया यानी 6 कोर। तो पहले भाई 6 कोर यूज़ कर रहे थे, अब यूज़ करेंगे 10 कोर। तो गाइज यहाँ पे हमने अपने जो स्क्रूज थे उनको लगा लिए हैं। अब हमें फटाफट से जो भी वायर्स बचे हैं उनको लगा देने हैं, तो मैं एक एक करके सारे वायर्स को लगा देता हूँ। हालांकि पीछे का माहौल आपको दिखाऊंगा ना, तो भाई आप लोग खुद शौक हो जाओगे, पीछे देखो यार कितने सारे वायर्स हैं। तो इन सभी वायर्स को फटाफट से मैं लगा देता हूँ। अब एक एक वायर डिटेल में आप लोगों को बताने जाऊँगा ना, तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको फुल पीसी बिल्ड गाइड वीडियो भी मिल जाता है, हमने बना के रखा है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको एकदम डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरह से आप एक एक चीज़ों को, यानी एक एक वायर का कनेक्शन कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। बाकी अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 28 पिन कनेक्टर को लगा दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो पावर केबल है, यानी हमारे मदरबोर्ड को पावर देने के लिए जो केबल आता है ना, उस केबल को भी हम फटाफट से लगा देंगे, जो कि कुछ यहाँ पे है। हालांकि यार ये एयर कूलर लगाने के बाद काम करने के लिए काफ़ी कम स्पेस बचता है, तो आपको काफ़ी ध्यान से लगाना पड़ता है ये वाला केबल, जैसा कि आप लोग देख लो यार जल्दी निकल ही नहीं रहे। सो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे केबल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे फेवरेट पार्ट की, जो कि है ग्राफिक कार्ड। अब ये है हमारा RTX 3060 12GB वाला वेरिएंट। तो फटाफट से मैं इसको भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। सील विल यार आप लोग देख लो, पूरा प्रॉपर सील पैक है। एंड इसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, 2 साल की आप एक्सटेंड करा सकते हो, 3 साल की आपको कंपनी वारंटी मिलती है। तो टोटल 5 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी इस वाले कार्ड में, जो कि दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है यार, प्रीमियम फील तो हो ही रहा है। तो फटाफट से मैं इसको भी लगा लेता हूँ अपने PCI वाले स्लॉट में। आफ्टर दैट यहाँ पे हम इसको PCI स्लॉट में लगा लेंगे। एंड PCI केबल को तो निकालना मैं बाहर भूल ही गया, तो PCI केबल को मैं बाहर फटाफट से निकाल लेता हूँ। एंड अपने ग्राफिक कार्ड को भी हम पावर दे देंगे। PCI केबल को तो हमने पावर दे दिया है। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के अंदर हम एक स्क्रू भी मार देते हैं, ताकि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो इधर उधर ना जाए। वी आर गुड टू गो गाइस, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ लगा दिया है। अब हमें एक बार इसको बंद करने से पहले ऑन करके देख लेना है कि सब कुछ हमने सही से किया है या नहीं। एंड उसके लिए हमें ज़रूरत होगी हमारे पावर केबल की, जो कि हमने कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट से यार पावर केबल से एक बार ऑन करके देख लेते हैं। अगर हमने सब कुछ सही से किया होगा तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं होगा। तो फिंगर्स क्रॉस एंड लेट्स ओके गाइस, ऑल सेट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख ही सकते हो, हमारा जो नया पीसी है वो पावर ऑन हो गया है।
काफी ज्यादा गॉर्जियस लग रहा है। हालांकि जो इस वाले केस में ये फ्रंट वाले फैन है ना, ये विजिबल नहीं है उतने अच्छी तरह से, बाकी अंदर से यार काफी कूल लगते हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं जस्ट आपको घुमा के दिखा देता हूँ, काफी कूल सा लगता है। साथ ही साथ में कलर वलर भी चेंज हो जाते हैं इनके, एंड ये काफी बड़े फैंस है यार। एयर फ्लो काफी कमाल का इस वाले पीसी में मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का ये वाला जो पीसी है ये अपग्रेड हो गया है, एंड कैसा लग रहा है यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अगर इस तरह का पीसी वीसी बनवाना था तो यार फटाफट से हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो। ये रहा उनका व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9898684750। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।